मैं लाइव तो आ गई हूँ, मुझे आगे नहीं पता कब शुरू करना ठीक रहेगा। कितने लोग हैं यहाँ, मुझे कैसे पता चलेगा? नमस्ते महेश जी, मेरे ख्याल से 2-1 मिनट और वेट करते हैं। नमस्ते रवि जी, थैंक यू देवेंद्र जी, हेलो सुषमा जी। हाँ, ऐसे लग रहा है हम 4-5 लोग हैं ऐसे घर के शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सबसे पहले तो जन सरोकार मंच में यहाँ पे मुझे अवसर देने के लिए देवेंद्र जी, कि मैं बाल साहित्य से जुड़े अपने कुछ अनुभव और अपना जो मैंने कुछ समझा है उसको बाकी लोग के साथ, सभी के साथ साझा कर सकूं। तो अगर हम मतलब टाइटल था इस मंच इस बारी का कि प्राथमिक कक्षाओं में अप टू ग्रेड 5 बाल साहित्यों को कैसे चुना जाए और उससे पहले उसे क्यों चुना जाए। तो एक नज़रिया एक हो सकता है कि क्यों चुना जाएगा, कैसे तो फिर बाद में आते हैं, कि नहीं चुनना, या अलग अलग उसकी मान्यताएं हो सकती हैं उसके पीछे कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है या अभी ज़रूरत नहीं है, कक्षा 1-2 में बच्चे इतना नहीं पढ़ते, नहीं लिख पाते, तो फिर अभी बाल साहित्य इंट्रोड्यूस करने का कोई नो वैल्यू नहीं है उस तरीके से। एक ये पर्सपेक्टिव हो सकता है कि भाई नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हम बाल साहित्य, तो वहाँ पे तो बात ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन अगर हम सीरियसली समझना चाहते हैं कि बाल साहित्य प्राथमिक कक्षा में क्यों, उसको हम बच्चों तक लाएँ और कैसे हम उसको भाषा शिक्षण से जोड़ें, तो सीधा सीधा एक बात जो समझ में आती है कि ग्रेड 1 से ही ग्रेड 5 तक, क्योंकि हम प्राथमिक कक्षा की बात कर रहे हैं, भाषा शिक्षण को लेके हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जो एक टीचर अपने 45 या 35 या 40 मिनट के कालांश के लिए प्लान करती है। कुछ उद्देश्य वो देखती है कि हम इस 6 में हम बच्चों के साथ भाषाई शिक्षण या उनके कौशलों पे क्या काम कर लेंगे, और पूरे सत्र में, एक साल में, बच्चा कक्षा 1-2 या 2-3 में जब जा रहा है तो कौन से भाषाई कौशलों को उनका विकास हम उस तरीके से कर पाएं। तो उन उद्देश्यों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, एक स्पेशली एक भाषा की शिक्षिका के लिए या शिक्षक के लिए, क्योंकि ग्रेड 1 और 2 में भाषा के थ्रू ही, और ऑब्वियसली अक्रॉस द करिकुलम, अक्रॉस ग्रेड्स, बट 1 और 2 में एक ही शिक्षक होता है, पूरे बाकी के विषय भी एक ही शिक्षक ले रहे होते हैं, तो भाषा शिक्षण को बहुत ही विस्तारित रूप से देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो मुझे पढ़कर और जो मुझे थोड़ा सा दस्तावेज़ों से समझ आया वो एक ये है, आई एम श्योर जो शिक्षा में काम कर रहे हैं उन्होंने भी इस दस्तावेज़ को देखा ही होगा, पढ़ा होगा, और ये बहुत पुरानी किताब नहीं है, 2017, 3 पहले की छपी किताब है, दस्तावेज़ है बेसिकली, ये सरकारी दस्तावेज़ है जो लर्निंग आउटकम के नाम से छापी गई थी, और इसमें मुख्यतः ये बात की गई है कि एलिमेंट्री ग्रेड तक, कक्षा 8 तक, प्रत्येक विषय में क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उस विषय को पढ़ाने के लिए, और फिर उसके पद्धति के लिए भी कुछ कुछ आइडियाज़ इसमें दिए हुए हैं। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दस्तावेज़ है, बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझी जा सकती है, स्पेशली जो भी टीचर्स बच्चों के साथ लगातार जुड़ के काम कर रहे हैं कक्षा में, उनके लिए बनाई गई है, और मुझे इससे बहुत मदद मिली है। तो अगर हम सोचें कि भाषा शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं, मान लेते हैं 1 कक्षा में बच्चा 5-6 के होते हैं,
तो अगर वो कक्षा में आए हैं तो अपनी मातृभाषा के साथ में वो जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं वो तो बहुत संपूर्ण तरीके से वो कक्षा में ला ही रहे हैं, पर क्लास में या कोई भी कक्षा में हम उस बच्चे के उस कौशल को, उस जो ऑलरेडी उसके पास है, उसको हम और कॉन्फिडेंट लेवल पे, और उसको हम कैसे उसका और आगे विकास कर सकते हैं कि बच्चे बिना डर के अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएँ, है ना, आसपास की चीज़ों का अवलोकन कर पाएँ, वो एक दूसरे से बात कर पाएँ और एक दूसरे की बात को सुनकर समझकर उसका सम्मान भी कर पाएँ। जी हाँ, ग्रेड वन के बच्चे भी, उनके लिए भी ऐसे उद्देश्य हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को मतलब टेक्स्ट को देख कर, उस पर बात करके, अपनी बात रख के, दूसरों की बात सुन के, इन सबको समझ पाए। तो ऐसे हर एक ग्रेड के लिए, हर आठवीं तक की कक्षा के लिए दस्तावेज में कुछ उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले एक शिक्षक होने के नाते हमें उस उद्देश्यों के ऊपर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर मेरी कक्षा ये है तो मुझे ये सारे उद्देश्यों की पूर्ति की ओर बढ़ना है, मुझे मेरे बच्चे कम से कम ये सारे कौशल तो उनके पास हो कि वो आगे वाले उद्देश्यों को आगे की क्लास में पूरा कर सके। तो अब अगर ये उद्देश्य मेरे मन में क्लियर है कि भाषा शिक्षण को कक्षा एक में हम इस तरीके से देख रहे हैं, कक्षा दो में अब उन्होंने मोटा मोटा तो वो सहज रूप से अपनी बात कर भी रहे हैं, स्क्रिबल भी कर रहे हैं, ड्रॉ भी कर रहे हैं, उस पर टिप्पणी भी करना चाहते हैं, उस पर ना सवाल उठाना चाहते हैं, ना चित्रों पे खूब बात करना चाहते हैं, तो ग्रेड टू में हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, फिर ग्रेड थ्री में कि वो अब थोड़ा कॉन्फिडेंस से लिख पाएं, एक वॉइस के साथ लिख पाएं, वो समझते हो कि वो जो लिख रहे हैं कोई एक ऑडियंस है जो उनके लिए पढ़ पाएं, उस सफ़र में उनको कैसे मदद की जा सकती है। ग्रेड फोर के उद्देश्य हो सकते हैं, मतलब ये बहुत छोटे छोटे मैं बता रही हूँ, इस दस्तावेज़ में काफ़ी डिटेल से है। तो ग्रेड फोर में हो सकता है कि बच्चों को और बाल साहित्य से जोड़ा जाए, उनको वैरायटी मतलब दी जाए, वो ग्रेड वन ऑनवर्ड भी हो सकती है, बट वहाँ पे बच्चे टिप्पणी कर पाएँ ना, और ग्रामेटिकली भी उस तरीके से जैसे वी विन किया हुआ है रिमझिम की किताबों में आप देखेंगे, बहुत ही सहज रूप से बच्चे कॉन्फिडेंटली कुछ प्रोड्यूस कर पाएँ, लिखित में या संवेदनशीलता के साथ उसको प्रस्तुत कर पाए ना, बहुत अपने आनंद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए और किताबें पढ़ सके। ग्रेड फाइव में क्योंकि बच्चे अब थोड़े से और सहज हो जाते हैं, थोड़े से और लिखने में उनका कौशल और थोड़ा सा निपुण हो जाता है, तो वहाँ पे बच्चे ना क्रिटिकली टेक्स्ट को देख पाए और लिख पाए और पढ़ पाए और उस पर बातचीत कर पाए। तो इस तरीके से कुछ कुछ ग्रेडेशन से इस दस्तावेज में दी गई है। ना अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं इन इन उद्देश्यों को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ कि अच्छा मेरे बच्चे इसमें हैं, तो अब मैं बाल साहित्य के साथ क्या कर सकती हूँ कि अब ये बाल साहित्य कक्षा एक में पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे अभी तो लिख भी नहीं पा रहे हैं, पर बाल साहित्य को अगर हम समझें तो वो किसी भी प्रकार का साहित्य हो सकता है जो बच्चों के लिए उनके संदर्भ से, उनके मानसिक सीखने के, उनके पेस के लिए, उनके कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग के लिए जो रेलेवेंट हो। तो वो कहानियाँ हो सकती हैं, वो कहानियों की किताब हो सकती है, वो कविताएं हो सकती हैं, वो एक चार्ट पे किसी पुराने दीवार पे लगी कोई कहानी भी हो सकती है, वो भी एक तरीके का साहित्य है। पर जैसे कि प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी भी कहते हैं अपनी किताब में बच्चों की भाषा और शिक्षक, उसमें वो कहते हैं कि अल्टीमेटली हम शिक्षक हम चाहते हैं कि बच्चे किताबों तक आए, किताबों को पढ़ें, और वो जो सेटिस्फैक्शन एक मिलता है किताबों को पलट पलट पढ़ के देखने का, वो बच्चों तक पहुंचाना, और वो बहुत कम उम्र से ही पहुंचाया जा सकता है, वो पेडागॉजिकली रेलेवेंट है बच्चों के लिए। तो ये भी बाल साहित्य का एक नमूना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि अंदर बहुत टेक्स्ट है नहीं, सिर्फ चित्र हैं, चित्र हैं, चित्र हैं, और छोटे बच्चों के लिए हैं, इन्हें इंग्लिश में पिक्चर बुक्स कहते हैं, हिंदी में चित्रकथा कहते हैं। ये भी एक नमूना है बाल साहित्य का, क्योंकि इसके ज़रिए बच्चे जो भी उनको दिख रहा है उस चित्र का अवलोकन करके अपनी बात कह सकते हैं कि भाई ये ऐसा हो रहा है शायद, और मैं भी गया था या मैं भी गई थी चिड़ियाघर, तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा। कोई कह सकता है मैंने ऐसा देखा, कोई कह सकता है कि भाई ये शेर बहुत ही नाराज से लग रहे हैं,
उस पर चर्चा हो सकती है कि क्यों हो रहा है, क्यों नाराज लग रहे हैं। तो ये केवल एक चित्र नहीं है, ये एक जरिया है बच्चों को इस पर बातचीत करने के मौका देने का कि, और ये ग्रेड वन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है। अगर हम इस दस्तावेज़ को भी देखेंगे, या आपने अपने अनुभव में भी देखा होगा कि बच्चे सहज रूप से अपने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सके, और घर पे बच्चे ऐसा करते हैं, तो क्लासरूम में बस हमें उसको एनकरेज करना है। तो ये भी एक नमूना है, मैं बस ये दिखाना चाह रही हूँ कि बेशक इसमें कोई साहित्य या लिटरेचर लिटरेसी के उसमें एस्पेक्ट में कुछ नहीं लिखा है, बट ये भी एक अच्छा नमूना है बाल साहित्य के लिए। ऐसे ही और भी कहानियाँ हैं, आधा गोला, इसमें भी कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसके चित्र ऐसे हैं कि इसमें बहुत अच्छी तरह बात की जाती है, की जा सकती है। और बच्चे बहुत खुल के अपनी अपनी टिप्पणियाँ प्रेजेंट करने में उनको बड़ा आनंद आता है। कुछ कहानियाँ जब हम धीरे धीरे बढ़े तो सिर्फ या केवल पिक्चर बुक्स से ही लिमिटेड नहीं रहती हैं। जब बच्चे उनको साथ साथ हम छोटी छोटी लाइन की, बहुत छोटे छोटे वाक्यों की और बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की हम उनको किताबें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे पास एक और उदाहरण है, पुथु। पुथु में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, एक एक दो दो लाइन है। पर अगर मैं ये कहूँ कि ये एक ऐसे छिपकली के बच्चे की कहानी है जिसको लूज मोशंस हो गए हैं, जिसको दस्त हो गए हैं और वो बहुत परेशान है। तो एक छिपकली का बच्चा, अगर उसको दस्त हो गया है तो मतलब दस्त होना एक यूनिवर्सल कॉन्स्ट्रक्ट है ना, हम सब इससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी अनुभव करके हम आगे बढ़ते हैं जीवन में। तो बच्चों के साथ भी अगर हम कैरेक्टर से अगर बच्चे जुड़ पाए कि हाँ, पुथू को भी इस तरीके की परेशानी हो रही है, और मज़ेदार तरीके से बच्चों तक हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू और इस साहित्य के थ्रू बच्चों तक पहुँचा पाएँ, तो ये भी एक अच्छा नमूना हो सकता है। बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि अब मतलब तीसरी चौथी कक्षा के लिए बाल साहित्य और खासकर उन उद्देश्यों को ध्यान रखना जिसके लिए हम बाल साहित्य उन तक ला रहे हैं, ये कनेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। और ये हर उस कालांश के लिए बहुत ज़रूरी है जब जब एक भाषा पढ़ाने वाली शिक्षक उस क्लास में जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है मेरा कहना कि बच्चे प्लेजर के लिए या मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत सारे रिसर्चर्स और एडुकेटर जो भाषा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो कहते हैं कि बच्चे मनोरंजन के लिए पढ़ें। वो सबसे अल्टीमेट एक उद्देश्य रहेगा कि अगर उनको किताबों में रुचि आ गई, और वो ग्रेड वन से ही हो सकती है, जैसे कि हमने देखा हम चित्रों से बात करते करते छोटे छोटे टेक्स्ट से लेते लेते हम उनको बड़ी और बहुत ही मनोरंजक वाली कहानियों की तरफ ले जा सकते हैं। तो अगर हम उस तरीके से बच्चों को जोड़ें बड़ी कक्षाओं में भी, तो वो एक बच्चों के किताबों के साथ और कहानियों के साथ बच्चे जुड़ जाते हैं, और फिर एक शिक्षक का काम बहुत आसान हो जाता है। फिर आप उसमें जब वो रुचि एक कनेक्ट बन जाता है, तो फिर बच्चे उसमें बहुत आनंद के साथ उस कैरेक्टर के साथ, उस पूरे प्लॉट के साथ, अपने अपने जीवन के साथ उसमें देख सकते हैं। और फिर हम डेफिनेटली उसके आगे जाके बच्चों के साथ कहानियों से और आगे की गतिविधियों से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। दिक्कत ये आती है कि जब हम बाल साहित्य को चुन भी लेते हैं, एक तो है कि हमने नहीं चुना, हमारी कक्षा बहुत तरीके से हम भाषा शिक्षण कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम अनफॉर्चुनेटली हम सबके पास ऐसा अनुभव है कि क्लास में हमारे पास बाल साहित्य नहीं होता। पर अगर हम बच्चों के पास ऐसा लेके जा रहे हैं, तो उसका चुनाव हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनिशियली जो भी हम किताब या जो भी हम कहानी या कविता बच्चों तक लेके जा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों के संदर्भ से जुड़ी हो। हम बहुत अमूर्त कॉन्सेप्ट्स और अमूर्त अवधारणाओं के साथ
लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का फिर उस पर जुड़ाव नहीं रहेगा, लगेगा हाँ कि ये तो चलो ठीक है किसी और की बात है। और हम ये भी समझते हैं कि जब बच्चा कक्षा एक में आता है वो अपनी पूरी मातृभाषा में निपुण होते हैं, 5 5 साल के बच्चे, वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, उनको जवाब भी चाहिए होते हैं, वो उन प्रश्नों के साथ जूझना, उसको टटोलना, बार बार पूछना, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे भी बताते हैं, जो ये समझाते हैं अपने अपने उनके काम में हमने देखा कि कैसे बच्चे आसपास की चीज़ों से जुड़कर उसको डिस इक्विलिब्रियम जो वो कहते हैं, जब तक उसमें वो बच्चे में डिस इक्विलिब्रियम नहीं आता कि भाई मैं अभी तक तो यही एक ही एक तरीके की चीज़ें देख रही थी, मैंने अचानक से एक ही चीज़ में कुछ नया सा देखा तो मेरे मन में एक सवाल उठा। तो मेरे ख्याल से बाल साहित्य का इंट्रोडक्शन भी उस तरीके से हो सकता है कि हम टोटली एलियनेटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ बच्चों के साथ ना जाएं। बच्चों के संदर्भ से बहुत सारी कहानियां आ सकती हैं, किसी का दांत टूट सकता है, किसी का मतलब किसी कुछ भी खो सकता है, किसी के पैर में दर्द हो सकता है क्योंकि शायद वो चाहती है कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और मुझे ना सबसे लंबा दिखना है, तो पूरे दिन वो बच्चा ऐसा ही चलता है और फिर शाम को उसके पैर दर्द हो जाता है। तो ये छोटे छोटे किस्से जो होते हैं जीवन के, बच्चों के, हम सबके, हम उसी से कहानियाँ बुन सकते हैं। एक कहानी जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी वो है ये एक बहुत ही फेमस राइटर और इलस्ट्रेटर की किताब है, द हार्ट एंड द बॉटल। एक बॉटल है और उसके अंदर एक दिल है, दिल दिल है यहाँ पे, और ये दिल है इस बच्ची के पापा का, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट से लिखी हुई है। ओलिवर जेफर्स ने लिखी है ये किताब और चित्रकारी भी उन्हीं की है। तो उन्होंने जो ये इस किताब से मतलब जो समझ में आती है वो ये है कि किसी को खो देना अपने ज़िंदगी में, ये एक ऐसा अनुभव है जो एक 3 साल का बच्चा भी या 30 साल का ना कोई नौजवान या एक 60 साल का व्यक्ति भी अनुभव कर सकता है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को बच्चों तक, बच्चों के संदर्भ से जोड़ते हुए, बच्चों में वो सेंसिटिविटी मेंटेन करते हुए, ऐसी कहानियाँ भी हमारे आसपास हैं। हमें थोड़ा सा उनको किताबों को उठाना है, पहले उन्हें खुद पढ़ना है उद्देश्यों से, बाद में आप देखेंगे कि वो कनेक्ट कहीं ना कहीं पीछे आपके चलते रहेंगे, अच्छा इस कहानी से ये होगा ये होगा, लेकिन खुद पहले अपने मनोरंजन के लिए एक शिक्षक को कहानी उठा के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम और पैरामीटर्स के साथ आ सकते हैं कि ये कहानी ना मैं आधी सुनाऊंगी, इसके आगे तुम देखते हैं कि बच्चों से क्या निकल के आता है। मैं एक और कहानी है जिसका मुझे बहुत लगाव है इस पूरे पात्र से, इस पूरी कहानी से, ये है पिप्पी लंबे मोजे। ये एस्ट्रिड लिंडग्रेन की कहानी है और एस्ट्रिड लिंडग्रेन ने शुरुआत अपने खुद की बेटी के लिए लिखने से शुरू की थी जब वो बीमार थी, पर ये ऐसा बाल साहित्य है जो पिप्पी खुद एक 9 साल की कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट, जो स्कूल नहीं जाती, जो अपने मन मर्जी में और अपने बलबूते पे वो रहती है, खाना पकाती है, और बहुत ही जिंदा दिल बच्चा है। हर बच्चा या जिसके भी इंसान के भी मन में एक बच्चा है वो सब पिप्पी जैसा शायद एक लाइफ चाहेगा। जिस खूबसूरती से ये लिखी गई है इसमें कुछ अवधारणाएं जैसे कि जेंडर, जैसे कि सोसाइटी, समाज इन जनरल, जैसे कि स्कूलिंग या दोस्ती, ये जो अनुभव है इस साहित्य में इस तरीके से वीविन किए गए हैं कि बच्चे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ना, पढ़ना चाहते हैं। और मैंने ये देखा है जिस तरीके से ये किताब लिखी हुई है, ये मुझे लगती है ये ऐसी डोर है इसमें जो एक गांव के बच्चे को भी लुभाती है, एक व्यस्क को भी लुभाती है, और एक कोई एलीट स्कूल के बच्चे को भी लुभाती है, और ये ग्रेड 1 के बच्चों को भी उस तरीके से अगर उनके साथ साझा की गई हो स्टोरी टेलिंग के थ्रू,
उनको भी बड़ा मजा आता है और ग्रेड 6 7 में भी मजा आता है। मैंने तो ये खुद तब पढ़ी थी जब मेरे बहुत सारे सफ़ेद बाल हो गए थे, तो तब की बात है। तो ये उस ये वैसा साहित्य है, आई थिंक हम सबको कभी ना कभी ज़रूर इसमें इसके साथ समय बिताना चाहिए, पिपी के साथ। ऐसे भी सवाल आते हैं कि हमारे आसपास बाल साहित्य मान लेते हैं बहुत सारे हैं ना, लाइब्रेरी है, उसमें ताला भी लगा है लेकिन उसके अंदर किताबें भी हैं और हम कभी कभी किताबें तक पहुंच भी जाते हैं। तो क्या हम कौन से वैरायटी है किताबों की, हमने कुछ कुछ पैरामीटर्स अभी देखे हैं कि क्या क्या हम चीज़ें ध्यान में रख सकते हैं बच्चों के संदर्भ को, बच्चों की है ना भाषाई कौशलों को देखते हुए, कि इसमें बहुत सारा वोकैबुलरी तो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान इस पे चला जाता है एक शिक्षक होने के नाते कि ये सारे शब्द तो आने ही चाहिए। उस शब्दों के अर्थ तो अलग बात है लेकिन ये सारे शब्द बच्चों को मेरी तरफ से तो पहुंच जाने चाहिए या किताब से तो बच्चों तक पहुंच जाने चाहिए। तो शब्दावली जब शिक्षण में इतना प्रेशर और इतना फोर्स आ जाता है तो जो कहानी की खूबसूरती है वो कोई भी साहित्य या कविता है वो फिर डिसॉल्व हो जाती है, वो फिर बच्चों तक नहीं पहुँच पाती है। और फिर जिस तरीके से भी आप उस कहानी के साथ आप डील करोगे वो एक बर्डन जैसा लगता है, टीचर के लिए भी एक बोझ हो जाता है, बच्चों के लिए भी वो बोझ हो जाता है। तो हम वापस आते हैं उस बात पे कि बहुत सारी बाल साहित्य हमारे आसपास अवेलेबल है, तो क्या हम कैसे मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षिका से मेरी बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैं फोकटेल का एक थीम चल रहा था उनकी कक्षा में और मैं बहुत सारे फोकटेल्स ले आई क्योंकि कुछ तो बच्चों से भी मंगवाई तो बच्चों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, वो भी अपने घर से लाई। बट जब हम उन कहानियों को टटोल रहे हैं पढ़ रहे थे तो हमने देखा उसमें बहुत सारे बायसेस, हिडन बायसेस थे जो मुझे तो समझ आ रहे थे बट मुझे लग रहा था उनको कैसे दिया जाए, या फोकलोर में तो ये बहुत ही है ना भर के उसमें रहता है तो इसको कैसे दिया भी जाए या नहीं दिया जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल रहते हैं, नॉट जस्ट फोक टेल, ऐसे भी बहुत कहानियाँ लिखी गई हैं जो किसी एक जानवर को एक स्वरूप में दिखाती है ना, तो चतुर है, ये चलाक है, ये तो बहुत अगली है ना, उस एक मानसिकता में बनाई जाती है, या कोई भी एक इंसानी कैरेक्टर को भी आप दिखा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें और वर्सेस एक ऐसा पात्र जो 9 साल की लड़की है, तो अगर ऐसी वैरायटी और ऐसे बायसेस वाली किताबें भी हमारे साथ हमारे आसपास उपलब्ध हैं तो उनका क्या किया जाए। तो इन प्रश्नों के साथ मैं भी बहुत जूझ रही हूँ और मैं पर्सनल लेवल पे भी एज अ महिला भी बहुत जूझी हूँ कि ऐसी कहानियाँ हम क्यों पढ़ें या हम क्यों दें बच्चों को हम ऐसी कहानियाँ पढ़ने के लिए, है ना। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है कि आप ये किस एज लेवल में बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम ये किताब के रूप में बच्चों को ना दे रहे हों बट घर में ऐसे अनुभव बच्चे जी रहे हों। एक मेल बच्चा कुछ बिहेवियर के थ्रू जी रहा है और एक उसी घर में शायद एक फीमेल बच्ची भी कुछ बिहेवियर्स के थ्रू जी रही है, लेकिन हम किताब में बाल साहित्य के थ्रू एनफोर्स क्यों करें। तो उसका एक तरीका हो सकता है कि हम कहानी एक तरीका हो सकता है कि हम कहानी उसको सुना दें और या तो पूरी ना सुनाएं, एंड में जाके हम उस कहानी को रोक दें और बच्चों से पूछें कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए या क्या होगा। तो वहाँ से बच्चों के अनुभव से वो कैरेक्टर से जुड़ने लगते हैं, कुछ कहानी के ही जो जिसका जैसा एंड है कुछ उस तरीके से सोचेंगे, कुछ थोड़ा शायद प्रश्न करेंगे। लेकिन जब यहाँ आप ये जब खोल देते हैं बाल साहित्य को लेके उस पर जब हम बातचीत करते हैं तो यहाँ बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौका होता है शिक्षक के लिए कि बच्चे उसको क्रिटिकली सोच सके, तो कुछ अच्छे सवाल पूछ के कुछ अच्छी क्रिटिक या टिप्पणियाँ बच्चों के सामने उदाहरण की तरह अपने पर्सपेक्टिव के जरिए पेश करते हुए, क्या ये ठीक रहेगा, क्या आपको क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बाल साहित्य फिर एक कहानी के रूप में नहीं है, फिर वो एक यू नो जीवन से इतनी एक गहरी जुड़ जाने वाली एक अनुभव बन जाता है। तो जेंडर बायसेस हो या है ना कुछ वैल्यूज़ हो, मॉरल वैल्यूज़ हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए या बड़ों का आदर करना चाहिए, हम इस पर बातचीत कर सकते हैं क्योंकि हम एक ही
एक ही धर्रे से अगर हम एक ही कैरेक्टर को देखेंगे तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और साहित्य में इसीलिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है कि हम कैरेक्टर्स के साथ खेल सकते हैं। हम वैसे भी बहुत एज ए टीचर बच्चों के मानसिक है ना, और मानसिकता और उनके बिहेवियर के साथ हम खूब खेलते रहते हैं। बट अगर हमारे पास बाल साहित्य है या कोई कविता है या अटपटा सा कोई पहेली है ना, पहेलियों की कोई बुकलेट हो या चुटकुलों की कोई बुकलेट हो, तो हम उसके इर्द गिर्द बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है। हम एज इट इज़ फोक टेल्स को उस तरीके से पेश करके या उस पे ना सवाल उठा के हम बहुत हद तक बच्चों को एक नज़रिया दे रहे होते हैं। और बाल साहित्य इस नज़रिए को प्रेजेंट करने का एक बहुत ही अच्छा पेडागोजिकल टूल है। और ये मैंने खुद से भी अनुभव किया है, स्पेशली जब मैं कहानी लिख रही थी। और उससे पहले मेरा सफ़र था कि पहले खुद अच्छी अंग्रेज़ी कहानियाँ जो मैंने अपने दोस्तों से और जो मैंने कहीं सुनी थी उनको इकट्ठा करके बच्चों की भाषा में कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके उनको सुनाना। तो ये जो रहा था उसमें भी बहुत सारा एज ए थर्ड पर्सन, क्योंकि मेन तो वो कहानी थी और वो बच्चे थे, मैं उसमें ज़बरदस्ती उसको घुस के इस तरीके से पेश करना चाह रही थी कि बच्चे सवाल उठाएं, बच्चे इस इमेजिनेशन के साथ उसमें डूब जाएं, बच्चे उस क्रिएटिविटी के साथ कुछ नया लिख पाएं, कुछ नए सवाल बुन पाएं। और यही एक अच्छे बाल साहित्य का काम भी है। एक अच्छे बाल साहित्य को चुनने के लिए ये सारे पैरामीटर्स हम देख सकते हैं कि क्या ये संदर्भ से जुड़ा है, क्या ये बच्चों को है ना प्लेजर दे रहा है, उस वो आनंद की तरफ है इसमें कुछ कुछ एपिसोड्स, क्या उनके भाषाई कौशल के इर्द गिर्द भी है या बिल्कुल ही एलिनेटिंग है, क्या उनको क्रिएटिविटी के मौके मिल रहे हैं या बस वही ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही हैं, तो चलो एक और कहानी आज की ख़त्म हो गई। तो ये सारे सवाल एज ए टीचर विचार करने लायक हैं। और इनको क्लास में अगर हम ले जाएं, कोई भी साहित्य को हम ले जाएं, तो इन इन फिल्टर्स के थ्रू ज़रूर गुजरा जाए कि वो एक फिर एक वैल्यूबल वो 40 मिनट गुजरे बच्चों के साथ क्लास में। तो मेरी मोटी मोटी बात ख़त्म हो गई है। जितना मैं सोच रही थी मैंने उतनी बात करने की कोशिश करी है। और अगर अभी कुछ सवाल हैं तो उस पर फिर हम और थोड़ा चर्चा कर सकते हैं। आप लोग तो बहुत ही धैर्य से सुन रहे हैं, थोड़ा पूछ भी सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं हम। एक मैं एक अनुभव तब तक शेयर करती हूँ जब तक आप मन में शायद सवाल बुन रहे हैं, कि जो बाल साहित्य का मेरा पर्सनल सफ़र रहा है वो थैंक्स टू रवि जी, उनकी उनके जो